Hello friends, today we are going to learn future continuous. I will be doing future perfect tense, I will have done, and the future perfect continuous tense, I will have been doing. By the end of this video, you will have a clear idea on how to formulate these three tenses and how to use them. Right then, let's start with formulation first. Future continuous tense. Future continuous. To formulate the future continuous tense, you just need will be plus main verb, yani ki first form of the verb, and ing. Add ing to the main verb. For example, I will be play, main verb plus ing. I will be playing. And it stays the same for all the pronouns like you, he, she, it, we, they. You will be main verb plus ing. You will be playing. He will be playing. She will be playing. It will be playing. You or we will be playing. They will be playing. मैंने कहा कि जब भी आप future continuous tense को बनाने जाएंगे, तो आप क्या लेंगे? जो भी आप pronoun लेना चाहते हैं, like I, you, he, she, it, you, they, we, कोई भी pronoun आप ले सकते हैं, उसके साथ आपने सिर्फ क्या जोड़ना है? Will be प्लस मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है तो आप फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे. अब बात आती है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहां पे हम यानी कि किस काम के लिए किस समय को बताने के लिए यूज होता है. यानी कि हम उस काम को अगर बताना चाहते हैं जो आगे आने वाले टाइम में किसी समय के लिए यानी कि अभी कंटिन्यू रहेगा तो हम वहां पर मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं आगे आने वाले समय में किसी समय पर जारी रहेगा तो हम वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल आई विल बी प्लेइंग यानी कि आगे आने वाला समय विल बी आई विल बी प्लेइंग आगे आने वाले समय में खेलूंगा. यू विल बी प्लेइंग क्या तुम खेलोगे आगे आने वाले समय में. तो हम जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को लगाते हैं. अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट की. फ्यूचर परफेक्ट टू फॉर्मुलेट यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है. ये ऐसे काम को बताने की काम आता है जो भविष्य में यानी आगे आने वाले समय में किसी समय तक पूरा हो चुका होगा यानी कि किसी समय तक पूरा हो चुकेगा तो हम वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. इसे बनाने के लिए यानी कि इसे फॉर्मुलेट करने के लिए हमें विल का यानी कि आई विल यू विल ही विल यू सॉरी विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम वहां पर यूज करते हैं. टू फॉर्मुलेट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यू जस्ट नीड विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ योर वर्ब लाइक आई विल हैव प्लेड यू विल हैव प्लेड ही विल हैव प्लेड शी विल हैव प्लेड इट विल हैव प्लेड वी विल हैव प्लेड यू विल हैव प्लेड एंड दे विल हैव प्लेड यानी कि सभी प्रोनाउंस के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सभी प्रोनाउंस के लिए हम विल बी प्लस मेन फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं. इसी तरह में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. हम कोई भी प्रोनाउंस लगाएंगे और उसके साथ हम विल हैव लगाकर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे. नेक्स्ट है अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये व्यक्त करता है यानी कि ये बताता है कि आगे आने वाले समय में जो काम है वो किसी टाइम तक यानी कि किसी टाइम से शुरू हुआ है और आगे आने वाले समय में किसी समय तक जो है कोई काम लगातार होता रहेगा तो हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. और इसे फॉर्मुलेट करने के लिए टू फॉर्मुलेट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यू नीड विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक आई विल हैव बीन यानी कि आपको क्या चाहिए प्रोनाउन विल हैव बीन आपने लगाना है प्लस मेन फॉर्म मेन वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे. आई विल हैव बीन प्लेइंग जैसे कि पीछे दो टेंसेस में यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट में मैंने आपको कहा कि आप सभी प्रोनाउंस के साथ विल हैव यानी कि अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी का यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव का यूज करेंगे और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आप विल हैव बीन का यूज करेंगे. विल हैव बीन चाहे प्रोनाउन कोई भी हो यू विल हैव बीन प्लेइंग ही विल हैव बीन प्लेइंग शी विल हैव बीन प्लेइंग It will have been playing, we will have been playing,
You will have been playing and they will have been playing. So, well, let's have a look at the usage now. Ki hum kahan par future continuous tense ka use karte hain, kahan par future perfect tense ka use karte hain aur kahan par hum future perfect continuous tense ka use karte hain. Sabse pehle hum dekhenge ki kahan par hum future continuous tense ka use karte hain. Future continuous tense have two usages. The first one, action in progress at a specific time in the future. Yani ki jab action किसी स्पेसिफिक टाइम पर फ्यूचर में प्रोग्रेस में होता है तब हम वहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. कंटीन्यूअस का मतलब है एक्शन इन प्रोग्रेस. अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटीन्यूअस. अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, दे आर फ्लाइंग टू मॉस्को At this moment, अगर हम present continuous की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे? They are, हम are के साथ main form of the verb plus ing. They are flying to Moscow at this moment. अगर हम इसे past continuous में बोलना चाहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? They were, are की जगह आप were का use करेंगे. They were flying to Moscow at this time yesterday. Yesterday shows it is a past tense, past continuous. अगर हम इसी लाइन को यानी कि इसी सेंटेंस को फ्यूचर कंटीन्यूअस में चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? दे विल बी फ्लाइंग, दे विल बी फ्लाइंग टू मॉस्को एट दिस टाइम टुमारो. यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे आने वाले समय की बात है, फ्यूचर की बात है, तो हम लिखेंगे दे विल बी मेन वर्ब प्लस आई एन जी, दे विल बी फ्लाइंग टू मॉस्को एट दिस टाइम टुमारो. फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो इट मीन्स जब काम प्रोग्रेस में हो एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर we use future continuous tense and it is equivalent of present and past continuous tense. Now the second usage of the future continuous is occasionally as an alternative to going to for a future plan or be doing for a future arrangement. For a future plan, so as to remind you, for a future plan we usually use going to. जब भी हम किसी future plan की बात करते हैं तो मैंने आपको अपने पहले videos में बताया है कि जब हम किसी future plan की बात करते हैं तो हम वहां पर going to का use करते हैं. For example, अगर हम यानी कि present की present में बात कर रहे हैं present continuous में तो हम इस तरह से कहेंगे Are you going to use the car this evening? Are you going to use the car this evening? Future continuous, जैसे कि मैंने आपको कहा, is an alternative to going to for a future plan. तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? You can say, will you be using the car this evening? यानी कि are you going जो है replace हो गया है, will you be using the car this evening? तो इस तरह से अगर हम फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हम गोइंग टू को रिप्लेस कर सकते हैं विल यू बी से. तो अब हम एक फ्यूचर अरेंजमेंट की बात करेंगे. यू सॉ दैट वी यूज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लाइक आई एम हैविंग डिनर विद यू दिस इवनिंग. आई एम हैविंग डिनर विद यू दिस इवनिंग. वंस अगेन द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैन रिप्लेस दिस. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस ने इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ने इसे रिप्लेस कर दिया है. आई विल बी हैविंग डिनर विथ यू दिस इवनिंग. आई विल बी हैविंग, आई एम हैविंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है. आई एम हैविंग डिनर और ये यहाँ पर इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ने रिप्लेस कर दिया है. आई विल बी हैविंग डिनर विथ यू दिस इवनिंग. ओके, लेट्स हैव अ लुक फॉर द टाइमलाइन फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. हियर इज द टाइमलाइन फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. दे विल बी फ्लाइंग to Tokyo this time tomorrow. Let's move on to our next tense, that is future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense, जैसे कि मैंने आपको कहा, action that will be completed in the future either. यानी कि जब action future में complete हो चुका होगा, either before a specific moment or before another action takes place. For example, and it is equivalent of the present perfect or the past perfect in the future. Let's look at some example. They will have left for Moscow by this time tomorrow. The film will have finished. Jo film hai, yani ki jo movie hai, wo completely finished ho gayi hai by midnight. Ho chuki hogi by midnight. Aap dekh rahe hain ki action that will be completed in the future either before a specific moment or before another action takes place. She will have done her homework
She will have done her homework by the time we arrive. We will have painted the house by the time she returns. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब बात future perfect tense की आ रही है, आप देखेंगे कि जो by के बाद वाला tense है, वो एक simple present tense है. Note that the second or the later action is always in the present simple. यानी कि जो by के बाद का tense आएगा, वो हमेशा simple present tense होगा. Look at the last two examples. She will have done her homework by the time we arrive. We will have painted the house. हम घर को पेंट कर चुके होंगे by the time, यानी कि उस समय से पहले जब वो आएंगे, before उनके आने से पहले, when she returns, यानी कि उसके आने से पहले हम घर को पेंट कर चुके होंगे. She will have done her homework. वो अपना काम, अपना homework खत्म कर चुकी होगी. हम future की बात कर रहे हैं by the time और उससे पहले जब वो आएंगे, यानी कि before. Before the time we arrive, हमारे आने से पहले वो जो है अपना होमवर्क कर चुकी होगी. तो इस तरह की, यानी कि जो काम पूरा हो चुका होगा किसी और काम से पहले, तो हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. This tense indicates an action. So, this tense indicates an action that will be completed in the future. The second or the later action is always in the present tense. Now, the timeline for the future perfect tense. The film will have finished. अब आप देखेंगे ये now है. The film Will have finished. काम जो है वो पूरा हो चुका. By the time, ये आपका midnight है. By the time, by midnight. Right. Now moving on to the next tense, that is future perfect continuous tense. This tense indicate an action that will have started. That will have started, will have continued for some time and will still be in progress in the future, either before a specific moment or before another action takes place. यानी कि जो काम है वो पहले से ही, यानी कि काम शुरू हो चुका होगा, थोड़े समय के लिए और चलेगा और यानी कि कंटिन्यू में रहेगा, तो हम वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा, इसे फॉर्मुलेट करने के लिए हम विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू मॉस्को फॉर अ फ्यू आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो. आप देख रहे हैं विल हैव बीन फ्लाइंग टू मॉस्को, काम थोड़ी देर के लिए चलेगा, फॉर अ फ्यू आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो. दे फिल्म, द फिल्म विल हैव बीन रनिंग फॉर टू आवर्स, विल हैव बीन रनिंग फॉर टू आवर्स बाय मिडनाइट. शी विल हैव बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर सेवरल आवर्स बाय द टाइम वी अराइव. We will have painted the house for several hours by the time we arrive. तो मैंने आपको बताया कि जो काम है वो अभी थोड़ी टाइम के लिए चलेगा और चल रहा होगा, और जो either before a specific moment or before another action takes place. Not the second action or the later action is always in the present tense. Let's have a look on the timeline. The film will have been running for 3 hours by midnight. By the time she returns, by midnight. यानी कि जो movie है, the film will have been running कितने घंटे के लिए चली? For 3 hours by the time she returns. Once again, note that the second or the later action is always in the present simple tense. By the time we arrive, by the time she returns, etc. Right. Let's wrap up by looking at some common mistake. The most common mistake is using the future simple tense instead of the future continuous tense or the future perfect tense or future perfect continuous tense. Let's look at some examples. I will drive to work this time tomorrow. I will drive to work this time tomorrow. Action taking place at the specific time in the future. So, not will drive, but future continuous tense will be driving. I will be driving to work this time tomorrow. Next example, we will attend a conference next week. We will attend a conference next week, a future arrangement again, not future simple. So, will attend as future simple, but will be future continuous tense. Will be attending. We will be attending a conference next week. Let's look at another example. He will pack his bags tomorrow morning. He will pack his bags tomorrow morning. He will leave his bags tomorrow morning. And for more information, you can go to our website mindfully.com
Thank you for watching this video and bye for now.